नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झा फैमिली की दुनिया में। जय माता दी। नवरात्रि की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। कल से पहला नवरात्रा शुरू है। यहाँ पे मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ। जाले उले तो मैंने सारे निकाल दिए थे, कल ही निकाल दी थी। आज बस थोड़ा बहुत सफाई करना था और मंदिर की सफाई करनी है। पूजा का सामान भी निकाल लिया है मैंने, उसका भी सफाई करना है। अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं रूम में लगाऊंगी। झाड़ू तो मैं एक बार सुबह ही निकाल दी थी अच्छी तरीके से। बस अभी बेड उड ठीक किया था तो थोड़ा बहुत जो पूरा निकला था, इसलिए मैं दोबारा झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद अच्छी तरीके से पोछा लगाऊंगी। घर से घर जीना सब में अच्छी तरीके से पोछा लगाऊंगी। अब मैं पोछे के लिए बाल्टी में पानी निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छी तरीके से पूरा किचन से लेके बाहर तक घर सब में पोछा लगा लूँगी। वाइपर से भी लगा लेती हूँ, हाथ से भी लगाती हूँ पोछा। जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से पोछा लगा लेती हूँ। मैं पोछा लगाने के बाद अब बाहर जाऊंगी पोछा लगाने के लिए। जीने पे पोछा लगाऊंगी, बाहर बाहर बरांडे पे पोछा लगाऊंगी। एक रूम और भी है, उसमें सुबह ही मैं पोछा लगा दी थी क्योंकि बच्चे उस रूम में पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे। उस रूम की मैं सुबह ही साफ़ सफाई कर दी थी। अब मैं बाहर और जीने में पोछा लगाऊंगी। अब मैं गमले को हटा हटा के पोछा लगा दे रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने गमले में पानी डाला था तो वो पानी थोड़ा नीचे फैल गया था। अब मैं अच्छे तरीके से गमले हटा हटा के पोछा लगा देती हूँ। नवरात्रि के पूजे के लिए भी मैंने सारा बर्तन निकाल लिया है क्योंकि कल इतना टाइम मिलेगा नहीं जो सारा साफ सफाई करूँ, इसलिए कल का सफाई भी मैं आज ही बर्तन का करके रख लेती हूँ। कल पूजा के टाइम में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम सब पाठ करते हैं, बच्चे भी चालीसा पढ़ते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। कल इतना टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आज ही सारा बर्तन वर्तन धो के रख लेती हूँ पूजा वाला। अब मैं सारा बर्तन साफ़ कर ली हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। मंदिर को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। सारा सफाई करने के बाद भगवान का फोटो वोटो जो मूर्ति है उसकी सफाई मैं कल करूँगी, आज नहीं करूँगी। उसकी सफाई मैं कल करूँगी। बस मंदिर का ऊपर से और नीचे अंदर से मंदिर की सारी सफाई कर लेती हूँ। मंदिर के अंदर में भी जितने बॉक्स, मंदिर का बॉक्स जो है उसके अंदर जितना सामान है उसको भी निकाल के अच्छी तरीके से सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ सफाई, पर एक बार नवरात्र है तो इसलिए कर लेती हूँ अच्छी तरीके से सफाई। अच्छी तरीके से सफाई हो गई ड्रॉवर की भी। अब इसमें मैं पेपर डाल के एक एक सामान पोंछ के रख दूंगी। ये देखिए, मैं रख रही हूँ सारा सामान पोंछ पोंछ के एक एक करके रख दूंगी।
बाती को भी तेल में डुबो डुबो के रख दूंगी, क्योंकि सूखी बाती जलने में थोड़ा टाइम लेता है। तेल में डुबा हुआ बाती जल्दी जल जाता है। ये देखिए सरल। और हमारी इधर तो सर्दियाँ भी काफ़ी अच्छी पड़ने लगी हैं। आप लोग जो वीडियो देखिएगा वो कमेंट करके बताइएगा किन की इधर सर्दियाँ अभी पड़ने लगी हैं, क्योंकि हमारे इधर तो सर्दियाँ अच्छी पड़ने लगी हैं। और ये देखिए सारा सफाई हो गया। मैं पहाड़ी एरिया में रहती हूँ, वैसे तो मैं नीचे साइड से हूँ, मैदानी एरिया से, लेकिन रहती हूँ मैं पहाड़ी एरिया में। ठंड पड़ना शुरू हो गई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है। और ये देखिए मंदिर की बातों में सारी सफाई भी हो गई। अब मैं भगवान का जितना बर्तन धो के लाई हूँ सबको पोछ पोछ के रख दूँगी, क्योंकि इनमें पानी रह जाता तो फिर सूखने के बाद दाग पड़ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसे सूखे कपड़े से उसको पोछ पोछ के रख दूँगी। यहाँ मैं बाती को तेल में डुबो के रख दूँगी, क्योंकि पूजा के टाइम ये आरती करते समय अच्छे से जल जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में सूखी बाती जलते नहीं रहती है। तेल में डुबो डुबो के मैं रख दूँगी। यहाँ पे मैं सारा बर्तन एक एक पोछ के रख दूंगी, कल ये पूजा में सारा काम आने वाला है। आज तो कुछ इसमें जो डेली यूज का पूजा में जो काम आता है वो भी है, तो वो मैं अलग कर दूंगी। कल से जो पूजा में लगेगा उसको मैं अलग कर दूंगी। आप लोग की नवरात्रि की तैयारी हो गई? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। ये अभी मेरा नया नया वीडियो है, जो गलती होगी उसको भी बताइएगा आप कमेंट करके, जहाँ आपको गलत लगे वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं दूसरे वीडियो में उसको सही तरीके से कर सकूं। अब मैं मंदिर में कुछ लाइट लगा ले रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि में भी अच्छा लगता है कुछ लाइट उठ जलते हुए। सारी में लाइट लगा लूँगी मैं। ये देखिए, अकेले वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे अभी उस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ। ये देखिए फाइनली मेरा लाइट लग गया है, कैसा लग रहा है बताइएगा। ये देखिए मेरा फाइनली लाइट लग के तैयार हो चुका है। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय माता दी।